सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। रकम आधी कर दो। बिल्कुल नहीं, मुनाफा नहीं हो सकेगा। सेहूनी तंजीम इसके लिए अलग से रकम मुख्तस करेगी, मुनाफे की कोई अहमियत नहीं। इस शख्स का नाम रॉबर्ट है, ये बर्तानिया का बेहतरीन जासूस है। अगर हम इसको काबू कर लें तो हमें तमाम मालूमात बासानी हासिल हो जाएंगी। मुझे लगता है कि बर्तानिया ने सही पेशकश की है, हमें ये दोनों पेशकश सुल्तान मौजम को दिखानी चाहिए। शायद रॉबर्ट के बारे में तुम्हारे शबात बिल्कुल ठीक है। क्या यकीन है? हाँ बिल्कुल, वो रास्ते में मुझे छोड़कर चला गया, कुछ आदमी भी उसके पीछे थे। दोनों पेशकशें खुफिया रखी जाएंगी, हमारा इरादा ये काम जर्मनों को देने का है। हम ये अवाम को बताएंगे, हम कहेंगे कि उन्होंने जर्मनों से रिश्वत लेकर उनकी पेशकश को कबूल किया है। हम कहेंगे कि वो ये सब रकम अपनी जेबों में भर रहे हैं। बच्चा कुएं से जेरे जमीन चला जाता है, वो एक पुरेसरार कुआं होता है, उस मैदान में घोड़े होते हैं। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। आपकी भी। हमें इजाजत दीजिए। सफर खैरियत से गुजरे। इस रकम से मस्जिद अक्सा के अतराफ में मौजूद दुकानें और सराय भी खरीदने होंगे आपको, ये सब आपकी ही मिल्कियत होंगे। खबर आई है जनाब, रॉबर्ट को अब्दुल हमीद के जासूसों ने पकड़ लिया है। ठीक है, अगर किसी दिन खुदा ना खास्ता वो इस सरजमीन पर कब्जा कर लेते हैं तो हम हक मिल्कियत का दावा कर सकेंगे। दुनिया का कोई भी जासूस या दहशतगर्द उस्मानी थप्पड़ का मुकाबला नहीं कर सकता। जुबान खोलोगे तुम तोते की तरह सब बताओगे। ठीक है फिर देखते जाओ। एक संदूक तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं हो सकता। क्या हो रहा है यहां? कौन हो तुम? मैं नया बरतानवी सफीर हैकलर हूं। लेकिन सुल्तान मौसम ने तुम्हें अभी कबूल नहीं किया। हाँ नहीं किया, मगर जनाब रॉबर्ट हमारे सिफारतखाने के एक रुकन है, अगर दोबारा हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा। काश तुम इतनी मार खाने से पहले यह सब बता देते जनाब रॉबर्ट। कोई बात नहीं, मैं वक्त आने पर तुमसे इसका हिसाब ले लूंगा। बहुत शुक्रिया जनाब हेकलर। बर्तानवी हुकूमत आपकी शुक्रगुजार है जनाब रॉबर्ट। चलो जाओ अब।
ये है वो शख्स नादिर साहब। वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? वो संदूक के पीछे है। क्या उन्हें उस संदूक का इल्म है? बिल्कुल, शायद उसकी जगह भी मालूम है। ये तुम कैसे कह सकते हो? हो सकता है मेरे पीछे आना उनकी चाल का एक हिस्सा हो। बैंक चलो, देखते हैं संदूक महफूज है या नहीं। तामगा के बाद अयूब सुल्तान चले वाले था। हम काफी अरसे से वहां नहीं गए। ठीक है, जरूर चलेंगे, दुआ करेंगे। सुल्ताना, तामगा बंद है, अंदर कोई नहीं है। क्या मतलब, किसी ने नहीं खोला इसे? काफी दिन से इसे नहीं खोला गया। मुहाफिज ने हर आने वाले को मजबूरन वापस भेज दिया। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? यहाँ आने वाले सवालियों को भूखे पेट और खाली हाथ लौटाया जा रहा है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें इल्म नहीं, लेकिन मालूम कर लेंगे। चलिए, तंजीम के दफ्तर जाना है। वो संदूक हमारे लिए बहुत कीमती है रॉबर्ट, अगर वो चोरी हुआ तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर चोरी हो भी गया तो मैं वापस ले आऊंगा। अगर उन्हें लगता है कि वो हमारा मुकाबला कर लेंगे तो उनकी मौत यकीनी है। जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो हमें यहां मिलेगी नादिर साहब। शुक्र है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह हमें यहां मिलेगा। खैर, मिल गया। यह वाकई महफूज जगह है, कोई इस तिजोरी को नहीं खोल सकता। मैं तो उन्हें काबिल समझ बैठा था, लेकिन वो इतने अकलमंद नहीं। कोई भी हम बर्तानवियों की अकलमंदी का मुकाबला नहीं कर सकता। सोचो जरा, इतने ज्यादा ममालिक पर हमारा सिर्फ एक वाली हुक्मरानी कर रहा है बगैर किसी फौज के। अगर आप उस जगह के बारे में मालूम करवा लें जहां पहले घोड़े बांधे जाते थे तो आपको कुएं का रास्ता भी मालूम हो जाएगा। फरिश्तों वालिदे सुल्तान इस बारे में कहानियां सुनाया करती थी, मगर यह हकीकत भी हो सकती है। बस यही गुल जमाल, मैंने तुम्हें एक काम कहा और तुम कुएं के बारे में मालूमात जमा करने के बजाय मुझे ये पुरानी कहानी सुना रही हो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ मदाम, लेकिन बस यही मालूम कर पाई हूँ। गुल जमाल, तुम बदल गई। मैं जिस लड़की को जानती थी वो ऐसी नहीं है। वो जो कुछ भी हासिल करना चाहती थी उसके लिए कोशिश करती और आखिरकार हासिल कर लेती थी। अब मैं भी कुछ चाहती हूँ आपसे। क्या चाहती हो तुम? पहली दफा मैंने खानदान की मोहब्बत पाई है। जमीना सुल्तान ने मुझे बेटी के तौर पर कबूल कर लिया और अब मैं खुद मां बनने वाली हूँ। मैं ये सब नहीं खोना चाहती हूँ मदाम, इन सब के बगैर मैं जीना नहीं चाहती हूँ। ये गुलजमाल की आवाज है, उन्हीं की आवाज लग रही है। ये तो नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं। मुझे समझने की कोशिश करें।
सुल्तान मौसम, आपके हुक्म के मुताबिक जनाब हेक्लर यहाँ आ गए। अब आपका क्या हुक्म है? अंदर बुला लीजिए पाशा। बहुत बेहतर सुल्तान मौसम, दरवाजा खोलिए। जनाब हेक्लर आइए। आ जाइए। सुल्तान मौसम, जनाब हेक्लर, जासूस तलाश कर लिया आपने? अभी नहीं, लेकिन हम कर लेंगे जल्दी। लेकिन हमें आपके बनाए गए मंसूबे का राज मालूम हो गया। तहसीन पाशा। जो हुक्म सुल्तान मौसम। ये संदूक आपका ही है ना जनाब हेक्लर? जी हाँ, मगर ये कैसे यहां पे आ गया? हमारे जासूसों को कमतर समझा आपने। खोलिए पाशा। क्या ये आपने बनाया है? जी हाँ, मैंने ही बनाया है। बहुत माहिर हैं आप। हैकल सुलेमानी, जिसे एक दिन जरूर तामीर किया जाएगा बैतुल मुकद्दस में। हम इसे मस्जिद अक्सा के मकाम पर तामीर करेंगे। क्या आपने कभी मस्जिद अक्सा देखी है? नहीं। तो फिर हम आपको दिखाते हैं। सिपाहियों, जनाब हेक्लर इस तरफ आइए। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा कयामत तक कायम रहेगी और हमेशा मुसलमानों की ही मिल्कियत रहेगी। हेक्लर ने इस नमूने में अपने हदफ का नक्शा खींचा है। हर्जल ने पहली सेहूनी कांग्रेस का परचम बनाया था। आपने दुरुस्त फरमाया, हजरत दाऊद के सितारे के ऊपर और नीचे एक लकीर। नील और फरात, वादा शुदा जमीन, एक बड़ी इसराइली रियासत। हमारे होते हुए ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा।
इसलिए पाशा वो हमारी रेलवे तामीर के मामले को अपने हाथ में रखने पर इसरार कर रहे हैं। नील और फरात के दरमियान की सोना उगलती जमीनें हासिल करना ख्वाब है उनका। उस इलाके के नीचे मौजूद तेल और ऊपर की जरखेज जमीन वो ये सब हासिल करना चाहते हैं। तहसीन पाशा, तारीख ऐसी सूरत इख्तियार करेगी कि उस जुग्राफिये पर आने वाली हर मुसीबत का चाहे बजाहिर उनसे कोई ताल्लुक दिखाई ना भी दे मगर फिर भी वो सेहूनियों को फायदा देगी। दुरुस्त फरमाया सुल्ताने मौसम। सुल्ताने मौसम, ये हैकले सुलेमानी का नमूना आपको कैसे मिला? खलील खालिद साहब की वजह से और बरतानवियों में मौजूद हमारे जासूस की मदद से। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। हमारे जासूसों की जिम्मेदारी में बरतानवियों के करीब होना भी है और हम तक मालूमात पहुंचाना भी शामिल है पाशा। और बजाहिर खलील खालिद साहब ने भी बहुत मोहतात अंदाज में काम किया है। क्या कहा उसने? अब्दुल हमीद ने, अब्दुल हमीद ने हमारा संदूक ले लिया है हमारे हाथ से। हैकले सुलेमानी का नमूना अब्दुल हमीद के पास है। क्या मतलब है इसका? हम दोनों गए थे, हमने देखा था, वो वहीं था। हमने अब्दुल हमीद को कमतर समझा। उसके जासूसों के हाथ बेहद मजबूत और लंबे हैं रॉबर्ट। उन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंकी और वो संदूक अब्दुल हमीद तक पहुंचा दिया। अब्दुल हमीद और उसके जासूसों का अंजाम करीब है। वो जल्द अपनी सल्तनत की तबाही देखेंगे, अपनी मुमलिकत को आंखों के सामने बिखरता देखेंगे। अभी नहीं, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तब देखना। क्या कर रहे हैं आप? क्या आप यहां तस्वीरें बनाने आए हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब्दुल हमीद हमारे राज को अच्छी तरह जान गया है, हम फिर भी रेलवे उससे छीन लेंगे। मैंने ऐसी पेशकश की है कि वो रेलवे का ठेका हमें देने पर मजबूर हो जाएगा। आ जाएं। जनाब ब्रेन। जनाब हैगलर, वजारत ने मुझे आपकी मौवनत के लिए भेजा है। मौवनत? खुशामदीद। सुल्ताना। खुशामदीद। आपको अचानक देखकर बहुत खुशी हुई। बेटी, आपको क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं आप? मैं मदाम बलावास्की के पास जमीला सुल्तान का सलाम लेकर आई हूँ सुल्ताना, क्योंकि वो अलविदा किए बगैर रवाना हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद तंजीम के दफ्तर जाकर सलाम दे दूँ। मदाम ने मुझसे पूछा कि मैं खुद बहमत के पास क्यों नहीं गई हूँ, तो मैं अब दीदा हो गई, ज्यादा जज्बाती हो गई, शायद अपनी हालत की वजह से। सुल्ताना। प्यारी गुलजमाल, आप उदास मत हो, महमद बहुत जल्द सहतियाब हो जाएंगे, फिर वो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह, और आप दोनों अपनी औलाद के साथ रहिएगा इंशाल्लाह। शहजादी, इंशाल्लाह। हम अपनी आमद का सबब बताते चले। जमीला सुल्तान की गैर मौजूदगी के सबब हम यहाँ आने से पहले चंबरलताश हवेली गए थे, लेकिन हमने देखा कि तामगा तो बंद है। क्यों मादाम लवाजकी? आप तो चंबरलताश हवेली को खैराती तामगा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी ना? हवेली में खैराती तामगा का काम जारी रहेगा सुल्ताना। बस वहाँ कीड़े मकोड़े निकल आए थे, हमने सफाई का बंदोबस्त करवाया है। सफाई मुकम्मल होते ही अपना काम फिर शुरू कर देंगे हम।
सुल्तान मौसम, इसका यहाँ क्या काम? सुल्तान मौसम, ये कोई अहम बात बताना चाहता है। अगर मैंने जरूरी बात ना करनी होती तो आपके सामने आने की हिम्मत ना करता। बताओ। बर्तानवी मुझे भूल गए हैं, मेरी जगह उन्होंने आदमी भेज दिया है। किसी ने मुझे यहां से बचाने या आपके हाथों से छुड़वाने की कोशिश तक नहीं की। तुम मर चुके हो। मैं महल के जिंदान में मरना नहीं चाहता हूं। क्या जो तुम कहना चाहते हो वो वाकई बहुत अहम है? जी हाँ, बहुत अहम। मैं यहां जंग के लिए आया था, मेरा मकसद था जंग शुरू करवाना। वो तो हम जानते हैं, मगर आप बहुत कुछ नहीं जानते। मुझे आजाद करने का वादा करें तो आपको बहुत कुछ बता सकता हूं मैं। मैडम लवास्की को देखकर अजीब एहसास होता है, हमें वो मशकूक खातून मालूम होती हैं, यानी जो वो कहती हैं और करती हैं उसमें तजाद है। सुल्ताना, आपको ऐसा क्यों महसूस होता है? बस कुछ बातों से हमें ऐसा लगता है। उन्होंने दुनिया के बेशतर इलाकों का सफर किया, लेकिन कभी भी कहीं कयाम का इरादा नहीं किया उन्होंने, और अब वो पाया तख्त में कयाम पजीर होना चाहती हैं। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। सुल्तान मौसम, जालमन ने हमें मालूमात फराहम की है और अब वो आजाद हो जाएगा। मेरे ख्याल में उसे गद्दारी और जुल्म के बाद इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। सुल्तान मौसम, जालमन ने हमें बहुत अहम मालूमात फराहम की हैं। हमने उसे रिहा करने और उसकी आज तक की अफाल को माफ करने का वादा किया है। माफी चाहता हूं सुल्तान मौसम, मगर मेरा जमीर कबूल नहीं कर रहा। हमें भी यह बात कबूल नहीं है पाशा। आप जालमन का ताकुब करेंगे, हमारा वादा उसके माजी के अफाल के लिए है, मुस्तकबिल के लिए हरगिज नहीं। इसीलिए उस पर नजर रखने की जरूरत है। जालमन जल्द या बदेर दोबारा हमसे गद्दारी का मुर्तकिब हो सकता है, तब आप उसका सामना करेंगे और करार वाकई सजा देंगे। अखबार में शाया होने वाली खबर ने अब्दुल हमीद के हाथ बांध कर रख दिए हैं। वो जानता है कि अगर उसने रेलवे की तामीर का ठेका हमें ना दिया तो गलियों में हंगामे होंगे। अब्दुल हमीद हमारे तमाम मंसूबों से बाखबर है, इसलिए अब इसका कोई फायदा नहीं। वो गुजरगाह का तायुन खुद करना चाहता है। मुझे गुजरगाह से कोई सरोकार नहीं। अब्दुल हमीद को इसका फैसला करने दो। हम ऐसी चालें चलेंगे कि गुजरगाह एक शहरक बन जाएगी और हमारी जमीनों की रगों के साथ मुंसलिक हो जाएगी। हर चीज हमारे कब्जे में होगी। हम अब्दुल हमीद को इतना मजबूर कर देंगे कि वो इस जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकेगा। सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। सुल्तान मौज़म, रेलवे मामले के हवाले से शाया होने वाली खबरों से जाहिर होता है कि यह ठेका बर्तानवियों को देना पड़ेगा। उन्हें खबरें बनाने दें, हमारी राह में रुकावटें खड़ी करने दें, हम फिर भी अपनी मर्जी करेंगे। सुल्तान मौज़म, हर कोई शाया होने वाली खबरों के बारे में बातें कर रहा है। इस मामले के बारे में मज़ामीन शाया हो चुके हैं। अगर हम ये जर्मनों को देते हैं तो वो इसके पीछे मौजूद दीगर चीजों को टटोलेंगे। माफी चाहूंगा।
सुल्तान मौजम, अगर हम ठेका जर्मनों को देते हैं तो वो खबरें जिनमें रिश्वत लेने का इल्जाम है, हमें डर है कि उन्हें सच समझा जाएगा। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा एक दिन अपने बाबा के पास आया और कहा कि मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि क्या खलीफा का बेटा बोसीदा और पुराना लिबास पहनता है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने बेटे को देखा, उसका लिबास वाकई बोसीदा और शायान शान नहीं था। उन्होंने फौरी तौर पर अपने खजानची को खत लिखा और कहा कि मेरी अगले माह की तनख्वाह से 20 दिन की रकम मेरे बेटे को दे दी जाए। खजानची ने उमर बिन अब्दुल अजीज को जवाब दिया, ऐ खलीफा, अगर आपको यकीन है कि अगले 20 दिन तक जिंदा रहेंगे तो रकम ले लें। उमर अब्दुल अजीज ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, आप अपने इसी पुराने लिबास में हुसूल तालीम को जारी रखें, मुझे अगले 20 दिन तक जिंदा रहने का यकीन नहीं। हम इन नसीहतों के साए में परवान चढ़े हैं पाशा हजरत, हमारे हलक में कभी हराम लुकमा नहीं गया, हम अपना रिस्क मेहनत से हासिल करते हैं, अब वो हम पर बोहतान लगा रहे हैं। वो तो बोहतान लगाते हैं कि हमने अपने जाती मफाद के लिए जर्मनों के साथ रेलवे के मंसूबे में शराकत दारी की है। रोज़ मैशर वो इसका जवाब कैसे देंगे? पाशा हजरत, जैसा कि आप जानते हैं कि असले की नुमाइश में बर्तानवियों ने रेडियो टेलीग्राफ के जरिए हमारी रियासत के खिलाफ एक मंसूबा तरतीब दिया था। हमने वो रेडियो टेलीग्राफ हासिल करके खलील खालिद साहब के जरिए बलगारवी शहजादे के महल में नस्ब करवाया था। बिल्कुल, एक अहम जासूसी सरगर्मी तरतीब दी गई थी। बाहरे रूम में ऐसे लोग हैं जो खैरुद्दीन और उरूज रईस की अमानतों पर हमला करते हैं। बिन गाजी, दर्न, त्राबलुस, फीजान, वो इलाके हैं जो शुमाली अफ्रीका में हम पर मुनासिर थे। अब अतालवी समंदर से, बरतानवी मशरक से और फ्रांसीसी मगरिब से उन इलाकों को घेरे हुए हैं। इसमें एक अहम मसला भी दरपेश है सुल्तान मौसम। समंदर में आने वाले तूफान की वजह से मवासलात में बहुत मुश्किल होती है। हम इसी वजह से दुनिया का सबसे तवील फासलाती निजाम कायम करेंगे। रेडियो टेलीग्राफ का निजाम कायम किया जाएगा। ये निजाम तहसीन पाशा की निगरानी में होगा। पाशा हजरत, हवाई फासले के तौर पर इनका करीब तरीन मकाम अनातोलिया में अंतालिया पतरा है और शुमाली अफ्रीका में दर्न होगा। इन दोनों मकामात पर मराकज कायम किए जाएंगे। त्राबलुस से राबता कायम करने में अब हमें कोई भी रुकावट पेश नहीं आएगी। ये बहुत अच्छा निजाम होगा सुल्तान मौजम, बहुत शानदार निजाम। इंशाल्लाह इसका नतीजा भी बहुत अच्छा होगा पाशा। तहसीन पाशा, क्या आपने जालमन की रिहाई से मुतालिक तमाम सिपाहियों को इत्तला कर दी थी? कोई बेखबर तो नहीं है? जी नहीं, मैंने खबर कर दी है। क्या जालमन को रिहा किया जा रहा है? बिल्कुल पाशा, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अहम मालूमात फराहम की है इसलिए रिहा कर दिया गया है उन्हें। मालूमात हर तरह का दरवाजा खोल सकती हैं। मैंने बहुत सी मुश्किलात पैदा की, फिर भी मेरे लिए एक रास्ता खुल गया। अब आजाद हूं मैं। अब्दुल हमीद समझ गया होगा कि वो मुझे ज्यादा देर कैद में नहीं रख सकता। देखो सलीम, ये है वो गद्दार शख्स जिसने तुमसे वो सब करवाया कि तुम एक बेरहम कातिल बन गए। मेरे हाथों से आखिरी कत्ल इसी शख्स का होगा। जालमन ने हमें जो अहम मालूमात फराहम की हैं उनके मुताबिक बर्तानिया ने हमारी सरजमीन पर होने वाली मुमकिन जंग के लिए असलहा दफन कर रखा है। इजमीर और उसके मुजफ्फात में यूनानियों के इस्तेमाल के लिए असलहे को छुपाया गया है। इराक और शाम के इलाकों में गैर मुस्लिमों के लिए असलहा रखा है और सिर्फ हमारी सरजमीन में नहीं, जापानियों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूसी जमीन में और फ्रांसीसियों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए
جرمنی کی سرزمین میں اسلحہ دفن کیا گیا ہے۔ سلطان معظم، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو سب سے مشکل کام اسلحے کی ترسیل ہوتا ہے۔ اسلحے کو دفن کرنے کا مقصد جنگ کے دوران اس مشکل سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے پاشا، انشاءاللہ ہم برطانوی سفارت خانے سے اسلحے کے مقامات معلوم کر کے ان کی اس چال کو ناکام بنا دیں گے۔ آپ پر کیا گیا ہمارا بھروسہ رائے گا نہیں گیا خلیل خالد صاحب۔ جو دستاویزات آپ نے برطانویوں سے حاصل کی ان سے برطانیہ کے مقاصد کا علم ہوتا ہے، اب ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ الحمدللہ، لیکن اگر برطانویوں میں ہمارے جاسوس نہ ہوتے تو ہمارا کام اتنا آسان نہ ہوتا۔ یہ ابھی شروعات ہے، ہم ان کا کھیل ختم کر دیں گے۔ ہم نے ظالمن نامی غدار کو پکڑ لیا جس کے تعاقب میں ہم ایک عرصے سے تھے۔ اس نے اپنی جان کے بدلے اہم معلومات دی ہیں ہمیں، ہم نے اپنے وعدے کے مطابق اسے رہا کر دیا۔ اس نے کیا معلومات دی؟ برطانویوں نے عالمی جنگ کے دوران ہمارے دشمنوں کی معاونت کے لیے اناتولیہ میں اسلحہ دفن کیا، مغربی اناتولیہ کے لیے یونان میں، اور غیر مسلموں کے لیے عراق اور شام میں، فرانس اور جرمنی کی جنگ کے لیے الساس لورین میں، اور جاپان اور روس کی جنگ کے لیے روسی سرزمین میں۔ یہ معلومات اتنی اہم ہیں کہ پوری دنیا کو برطانویوں کا دشمن بنا سکتی ہیں۔ بالکل، لیکن ابھی ہمیں اسلحے کے مقامات کا علم نہیں ہے۔ تو پھر اسلحہ کیسے تلاش کریں گے ہم؟ اس کے مقامات کا تعین نقشوں سے ہوگا، لیکن وہ نقشے برطانوی سفارت خانے میں ہیں۔ جہاں بھی ہوں گے ہم جا کر حاصل کر لیں گے۔ برطانوی سفارت خانے میں بہت کڑا حفاظتی انتظام ہے، جب تک محافظ وہاں موجود ہیں آپ کا داخل ہونا ممکن نہیں۔ تو ہم محافظوں کی توجہ ہٹا کر سفارت خانے میں داخل ہوں گے؟ ہمیں وہ نقشے ہر صورت میں حاصل کرنے ہیں۔ جو حکم سلطان معظم۔ بیدار سلطان کو آپ کے آج یہاں پہنچنے کی توقع نہیں تھی، وہ نائمی سلطان کے ساتھ تامگاہ کے دورے کے لیے گئی ہیں۔ کوئی بات نہیں، کام مکمل ہوتے ہی وہ آ جائیں گی۔ زکیہ سلطان، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، کاش کہ آپ خبر کر دیتی، ہم خود آپ کا استقبال کرتے۔ اچھا ہی ہوا کہ ہم نے خبر نہیں کی آپ کو، ورنہ آپ اہم کاموں کی طرف توجہ نہ دے پاتی۔ آپ تامگاہ گئی تھی؟ جی بالکل۔ اگر آپ کو ہمارے آنے کا علم ہوتا تو آپ وہاں نہ جا پاتی۔ آپ کی آمد باعث مسرت ہے۔ بہت شکریہ۔ پیاری بہن، آپ کو ایک بار پھر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ہمیں بھی خوشی ہوئی آپ سے دوبارہ مل کر۔ ہم تعارف کروا دیتے ہیں، یہ گل جمال بیٹی ہے، جمیلہ سلطان کی بہو، شہزادے محمد کی زوجہ۔ پہلے ہماری ملاقات نہیں ہو پائی، شادی مبارک ہو آپ کو۔ شکریہ۔ یہ تحفہ آپ کے لیے لائے ہیں ہم، اور یہ آپ کے بچے کے لیے۔ ہمیں خبر ملی تھی، اللہ پاک آپ کو صحت مند اولاد نصیب فرمائے۔ آپ نے شرمندہ کر دیا شہزادی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا ہوا کہ جلد خوشی کی خبر مل گئی آپ کو، اولاد خاندان کی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے، مگر اس معاملے میں بھی زیادہ امتحان خواتین کا ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری طرح آپ کا نصیب بھی بہت اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ۔ اور یہ تحائف ہم آپ سب کے لیے لائے ہیں، آپ قبول کر لیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا، بلا وجہ زحمت کی آپ نے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ سلطانہ، سلطان معظم نے زکیہ سلطان کو طلب فرمایا ہے۔ ہم بھی بابا جان سے جلدی ملنا چاہتے ہیں، امید تھی وہ ہماری خواہش رد نہیں کریں گے، ان کے حضور پیش ہونے کے منتظر تھے ہم۔ جی بالکل، یقیناً آپ کے بابا بھی آپ کی آمد کے منتظر ہیں، آپ جائیے ان کے پاس۔
आइए बैठिए। सुल्ताना देखिए ये कितना खूबसूरत है। ज़किया सुल्तान बहुत मुखलिस और बहुत बाज़ौक़ खातून है। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़किया बाबा जान खुश आमदीद। हमने आपको बहुत याद किया बाबा जान। जब हमने सुना कि आपने हमें महल बुलाया है तो हमें बहुत खुशी हुई। क्या यहाँ आने के लिए हमें आपको बुलाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम आपके काम में मुखल नहीं होना चाहते थे बाबा जान। आइए बैठते हैं, आइए। बैठिए। हमारे नवासे कैसे हैं? वो बड़े हो गए हैं, आपके हाथों को बोसा देना चाहते हैं। वो हर खत में आपको एहतराम भेजते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या अली नूरुद्दीन पाशा भी फ्रांस चले गए हैं? जी बाबा जान, उनको वहाँ कुछ काम थे और वो देखना चाहते थे कि वहाँ बच्चों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। इस अरसे के दौरान अली नूरुद्दीन पाशा की वापसी तक आप हमारे साथ रहेंगी। हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमारी तन्हाई का सोचते हुए हमें यहाँ बुलाया बाबा जान, लेकिन इंशाल्लाह अली नूरुद्दीन भी बहुत जल्द यहाँ पर होंगे। आपको यहाँ बुलाने की यही वाहिद वजह नहीं है, अपनी बेटी की हमें भी यहाँ जरूरत है। जबकि आपके आसपास बहुत लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी, तो हम आपके लिए कैसे कारामद हो सकते हैं बाबा जान? हम चाहते हैं कि आप हरम का इंतजाम संभालें। क्या बिदार सुल्तान इसमें दिलचस्पी नहीं रखती? बिल्कुल रखती हैं, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि आप इसकी जिम्मेदारी संभालें। शुक्रिया बाबा जान, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमें इस फर्ज के लायक समझा। क्या आपने देखा, उन्होंने आते ही हमारी तौहीन करना शुरू कर दी। वो ऐसा क्यों करेंगी नायमे बेटी? आपने उनकी बातें नहीं सुनी? वो अपनी शादी की वजह से किस कदर खुशफहमी में है। प्यारी बेटी, आपकी बहन ने शादी की और वो खुश है, कितनी अच्छी बात है। आपको उनके लिए खुश होना चाहिए। वो चाहती थी कि हम अफसुर्दा हों वालिदा। उनका मतलब था कि हमने शादी से कुछ नहीं सीखा। नायमे, आप मुबालगा आराई कर रही हैं। नहीं, हम मुबालगा आराई नहीं कर रहे। हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारी बहन हमें तकलीफ में देखना पसंद करती है। यहाँ तक कि हमारी नाकाम शादी का इल्जाम भी हम पर लगाया। वो जानती थी कि कमालुद्दीन हमें धोखा दे रहा है। हमें इन सबसे नफरत है, हमें उनसे भी नफरत है। सकीना तुम कहाँ हो? सकीना मैं यहाँ हूँ पाशा, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी। सकीना तुम मेरे लिए एक मजेदार तुर्क कहवा बनाकर ला दो, ठीक है? हाँ सकीना, तुम दो प्याले बनाकर लाना। वो मैं अपनी बेटी फियदा के साथ तुर्क कहवा पीना चाहता हूँ। कहाँ है वो? अंदर है पाशा। ठीक है, तुम जाओ और वो करो जो कहा है। फियदा कहाँ हो बेटी? फियदा 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 बेटी, मैं आपका इंतजार कर रही थी महमूद पाशा। अच्छा, क्यों इंतजार कर रही थी? जाने से पहले अलविदा कहना चाहती थी। अरे क्या वाकई, तुम जा रही हो? बेहतर हूँ, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं मुझे। मैं जल्द से जल्द इस विरासत के मसले को हल करना चाहती हूँ। विरासत का मसला है, ठीक है, लेकिन बेटी अभी आप इधर आइए। आइए आइए, बैठिए, बैठ जाइए। आइए बेटी आइए, बैठिए, मैं आपको तकिया देता हूँ। मेरे पास है। आपके पास है बेटी, लेकिन आप बीमार हैं। सुकून से बैठें।
फैदा, प्यारी बेटी, अब आप बाहर जाएंगी और इन मामलात को हल करेंगी, है ना? लेकिन बाद में यही वापस आइएगा बेटी, ये आपका भी तो घर है ना? आखिर बाहर जाकर क्या करेंगी आप? बाहर की दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है। अगर उन लोगों ने ये देखा कि आप एक गरीब और बेआसरा लड़की हैं, और अगर उन्हें मालूम हो गया कि आपके पास विरासत है, तो वो उस विरासत को हासिल करने की कोशिश करेंगे, माशाल्लाह। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगी? तो क्या गलियों में भूखी प्यासी और अकेले रहेंगी? नहीं बेटी, बिल्कुल भी नहीं। खुदा के वास्ते बाहर जाकर अपना विरासत का सारा काम निपटाने के बाद वापस यही आ जाइएगा, और मेरी प्यारी बेटी, आप मुझसे मशवरा कर सकती हैं। मैं बहुत तेज और अकलमंद हूँ, पूरे पाए तख्त में आपके बारे में सोचने वाला बेहतरीन शख्स हूँ मैं। अकल का ताल्लुक उम्र से नहीं है, अकल का ताल्लुक महमूद पाशा से है। यहाँ तक कि सुल्तान मुअज्जम भी मुझसे मशवरा करते हैं बेटी, यानी मैं बहुत अकलमंद हूँ, बहुत। इसीलिए तो कहा है, यानी आपको अपने विरासत के काम को निपटाने के बाद वापस यहीं आ जाना चाहिए, और आपको जो भी मशवरा चाहिए मुझसे करें, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया महमूद पाशा। आपका शुक्रिया। मैं इस नेकी को कभी नहीं भूलूंगी। आपका बड़ापन है ये। इजाजत दीजिए। चलो बेटी, आपकी किस्मत अच्छी हो। फियदा, फियदा, अपने मामले को हल करने के बाद घर वापस आ जाइएगा बेटी, ठीक है? ठीक है पाशा। ठीक है बेटी, जाओ जाओ बेटी। ये कितनी मासूम दिखाई देती है, मगर मैं जानता हूँ कि इसके दिमाग में कैसी कैसी शैतानी चालें घूम रही हैं। आपका कहवा आ गया है। सकीना बेटी, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है, ये कहवा तुम पी लो बेटी, ठीक है? दोनों पी लूं? सकीना, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम दोनों कहवे पी सकती हो। बात समझ गई होगी, मैं चलता हूँ। अच्छा तो इसे पी लेती हूँ मैं, जाया ना हो। हम बरतानवी सिफारतखाने में दाखिल होंगे। क्यों चाचा? बरतानिया ने अनातोलिया में हमारे खिलाफ मुमकिन जंग में इस्तेमाल करने के लिए असलहा दफन किया है भतीजो। उन जगहों का तायुन जिस नक्शे में किया गया है वो बरतानवी सिफारतखाने में है। मगर चाचा, वहाँ एहतियाती तदाबीर की गई हैं, हम उसमें दाखिल कैसे होंगे चाचा? अगर हम उन्हें अपना ताकुब करने पर मजबूर करें तो दाखिल हो सकते हैं। मगर जनाब, ये काम कैसे होगा? बरतानवी जानते हैं कि उनमें हमारा जासूस है। हाँ, मगर वो कौन है? माजरत चाहता हूँ, मैं अभी ये नहीं बता सकता कि वो कौन है, लेकिन ये बात वो जानते हैं कि जासूस उनमें है। तो जनाब, हम उस शख्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे? सिफारत खाने के सामने नादिर साहब मशको के इकदाम करेंगे, वो जासूसों को अपने पीछे लगाएंगे और फरार हो जाएंगे, फिर बाद में पकड़े जाएंगे। अगर जासूसों ने नादिर साहब को पकड़ लिया तो क्या होगा? वो इन पे तशद्दुद करेंगे। इस बार ऐसा ही होगा। इस बार नादिर साहब को पीटा जाएगा जनाब? सिर्फ इस बार। पकड़े जाने पर इनके पास से एक लिफाफा निकलेगा जिसके अंदर खुफिया अल्फाज में एक पैगाम होगा। फिर चाचा? फिर भतीजे, बाकी का काम उस्मान करेगा। समझा नहीं, मैं क्या करूंगा? कुछ ऐसा जो तुम्हें पसंद आएगा, इससे तुम बहुत खुश होगे। जुलुफ्लू पाशा, ये तवक्को नहीं थी मुझे तुमसे। इस काम के पीछे हेकलर का हाथ है, अगरचे वो हमें दीवार से लगाना चाहता है, लेकिन हम दीवारें तोड़ देंगे। जालमन ने अब्दुल हमीद को बताया कि बरतानिया ने जंग के वक्त इस्तेमाल करने के लिए हर मुल्क में असलहा दफन किया है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? खेल खेलने की कोशिश मत करें, मैं सब समझ गया हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है पाशा। हमें ये पैगाम एक उस्मानी जासूस से मिला है, एक ऐसा पैगाम जो मुलाकात का मकाम और वक्त का तायुन करता है।